नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में, बात करेंगे क्या रणनीति है। और क्योंकि कई सारे कमेंट आए थे हमारे वीडियो पे कि कुछ लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि वो एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। बस उन्होंने खाली एडमिट कार्ड देख लिया, सेंटर देख लिया, पीछे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया होता है लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, जबकि सब कुछ एडमिट कार्ड पे लिखा गया। और कुछ कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश, अगर हिंदी वाले हैं इंग्लिश भर दिया है तो उनका जो है इंग्लिश में है पेपर कि हिंदी में है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो देखिए पीछे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका निगेटिव मार्किंग है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप देखेंगे कुछ ये जो यहाँ पर 11 नंबर पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, फॉर इवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क विल बी आपका डिडक्टेड हो जाएगा। यानी कि अगर आप 3 गलती करेंगे तो एक सही क्वेश्चन जो है आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3, 1/3 है, 3 पे 1 क्वेश्चन आपका सही चला जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली से करना है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है टोटल, इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए हम डिटेल में पढ़ देते हैं फटाफट जल्दी से। पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि कैंडिडेट शुड बी रिपोर्ट वेन्यू, यानी कि आपके एडमिट कार्ड में जो वेन्यू है, जो स्कूल का नाम दिया है, जो सेंटर नाम है, उसी सेंटर पे आपको विद इन टाइम रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा और फ़ोटो आपका चेक होगा, ठीक है। तो इस सब के लिए पहले से आपको पहुँच जाना है सेंटर पर, और सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पे सबका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, और गेट कब क्लोज होगा, कब गेट बंद होने के बाद फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको विद इन टाइम पहुँचना है। दूसरे नंबर पे देखिए सीबीटी एग्ज़ाम में आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन है, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम लगना है तो केवल रीजनिंग का 5-6 क्वेश्चन और मैथ के 7-8 क्वेश्चन होंगे, टोटल इतने में ही टाइम लगना, बाकी सब अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपके सही क्वेश्चन जो है 65-70 के आसपास पहुंच रहे हैं तो आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पहुंच रहे, 70 से कम है, तो फिर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करिएगा। आपके पास पर्याप्त समय, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप 1 घंटे में पेपर कर लेंगे और 1/2 घंटे में आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे, जो रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन बचे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे गेट बंद होने के बाद आपको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। और चौथा ये कह रहा है कि द कैंडिडेट मे हैव अपीयर टू एग्जाम फॉर द मल्टीपल शिफ्ट, तो यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों जैसे ये आइसोलेटेड पोस्ट के लिए है, तो कई लोगों ने कई पदों के लिए फॉर्म भरा है, तो उनको अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो अलग अलग दिन अलग अलग पारी में उनको पहुँचना होगा, ठीक है। अगर उन्होंने एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई किया है तो उनके लिए है, ठीक है। अगर आपने खाली स्टेनो के लिए किया है तो स्टेनो वाले के लिए तो पहली मीटिंग में है या तो सेकेंड मीटिंग में है, तो दोनों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, ठीक है। और पाँचवा कह रहा है कि दोस्तों अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने परीक्षण स्थल का पता लगा लें और वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है। और वैलिड आईडी प्रूफ के साथ जाएंगे, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच करता हो, फोटो मैच करता हो, ठीक है। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट कार्ड हो गया, ये सब अगर आपके पास है तो ले जा सकते हैं, इसमें से कोई भी फोटोकॉपी उसकी ले जाएंगे, ठीक है। और आपका स्कूल का जो अगर आईडी है वो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, स्कूल की आईडी आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, वो मना कर देंगे, यहाँ पे लिखा है 5वें नंबर पर, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वही फ़ोटो पहचान ले जाना है जिसमें आपकी आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन है। और फ़ोटो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, वो जो फॉर्म भरते समय जो आपने फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो भी ले जाना है आपको, ठीक है। अगर नहीं है तो बन जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसमें डेट ही तो चेंज करना है, डेट चेंज करके वो आप अभी के फ़ोटो में डेट चेंज करके लगा दीजिए, बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और छठा नंबर PWD वाले के लिए है, उसमें कुछ नहीं है खास। और यहाँ पर देखिए ई कॉल लेटर वैलिड ओनली टेस्ट डेट, यानी कि जो ई कॉल लेटर उसी दिन वैलिड होगा जिस दिन आपका डेट है, ठीक है, तिथि और पारी के लिए वैलिड होगा, और उसी के बाद उसी से ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे है आपका बैन, मिस्टेक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे आपके अगर डिजिटल घड़ी है तो भी आप अंदर नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो इस सब चीज़ को
ले जाना ठीक नहीं। अगर आपके पास सुई वाली घड़ी है तो वो ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी डिजिटल घड़ी और भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं ले जाना, इवन पेन पेंसिल भी नहीं ले जाना है, वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। पेन पेंसिल सब वहाँ पे दिया जाएगा, आपको केवल एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के साथ अंदर जाना है, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको रहने खाने आने जाने की सब व्यवस्था आपको खुद ही करनी है। और यहाँ पे देखिए आठवें नंबर पे दिया गया है कि चूड़ियाँ वगैरह और बेल्ट कंगन ये सब भी अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। तो आप अगर कंगन और ये सब चुल्ला उल्ला पहन के रखते हैं तो ये सब निकाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको सेंटर से वापस आके निकालना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप बैग में ही रख के जाओ, ठीक है। ये सब अलाउ नहीं होंगे, बिल्कुल आपको सिंपल जाना है और केवल आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए और आईडी एक होनी चाहिए, ठीक है आपका। और आपके पास मास्क होना चाहिए, मास्क कंपलसरी है, फेस मास्क अगर आपके पास जो रंगीन मास्क है तो भी अनुमति रहेगी, ठीक है। मास्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कलम पेंसिल कुछ अंदर नहीं जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए नौवें नंबर पे कह रहा है कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र का को उसी भाषा में देख पाएंगे। देखिए द कैंडिडेट कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, भरते समय जो लैंग्वेज दिया था पेपर का, अगर इंग्लिश दिया था तो पेपर इंग्लिश में देख पाएंगे, अगर हिंदी दिया था तो हिंदी में देख पाएंगे, उसमें फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सबके एडमिट कार्ड पे लिखा गया है कि वो किस में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में वो एडमिट कार्ड में लिखा गया, जो फॉर्म में भरा था वही लिखा गया है, ठीक है, उसमें फिर बदलाव नहीं हो पाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसका इंग्लिश वर्जन जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है, इंग्लिश वर्जन सही माना जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए दसवें नंबर पे कह रहे हैं, दसवें नंबर पे है जो ब्लाइंड वाले व्यक्ति होते हैं जो असिस्टेंट ले जाते हैं उनके लिए है। और ग्यारहवें नंबर पे देखिए 1/3 माइनस मार्किंग है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन नहीं, ओएमआर नहीं कि एक बार आप कलर कर दे तो मिटा नहीं सकते, इसमें तो मिटा भी सकते हैं, तो क्वेश्चन को बढ़िया से संतुष्ट हो जाइए तब करिएगा, ठीक है। नहीं तो आपका 3 क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा, तो गलत बिल्कुल कोशिश करिएगा कि ना ही करें। और पहले जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे आपको सारे सही क्वेश्चन कर लेना है और उसके बाद उसको काउंट कर लो, अगर आपके 70 या उसके आसपास क्वेश्चन हो रहे हैं तो हमें लगता है कि कट ऑफ में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर उससे कम है तो आप यू नो बेटर देन आई। देखिए नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट लिंक अवेलेबल, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जो है लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। एक वहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, मॉक टेस्ट का, तो जिसमें आपका 8-10 क्वेश्चन होगा, जैसे आप उसको लॉगिन करेंगे, उसको कोई पासवर्ड आईडी नहीं होता, 1, 2, 3, 4 ऐसे डालेंगे खुल जाएगा, वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार के कदाचार या दुर्व्यवहार करेंगे तो आपको आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ठीक। और बाकी उम्मीदवार को अगर कोई रफ कार्य या कुछ भी लेने के लिए कागज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें अपना रोल नंबर वगैरह मेंशन कर देना है, ठीक है। और उम्मीदवार को यात्रा और रहने खाने की व्यवस्था तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि सब आप ही को करना है, आयोग कुछ नहीं देगा, रेलवे बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के दौरान बीच में आपसे साइन वगैरह और थंब इम्प्रेशन के लिए आएंगे, बाकी आपका कोई समय जाया नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको परीक्षा तिथि पाली स्थान परिवर्तन में किसी प्रकार की बदलने की अनुमति नहीं होगी, एक और लेटर के साथ आपको आना है कि बाकी सारे अधिकार आरआरबी अपने पास रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है। यही है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। और हमारे हिसाब से तो बस अब आप लोग बिल्कुल जो भी पढ़े हैं अभी तक रिवाइज कर लीजिए, कल आपका पेपर है। वैसे मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूँगा, एक प्रैक्टिस सेट और अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको कर लीजिए। वैसे हमने टेलीग्राम में बहुत सारा हिंदी का जो है वो मैटर भेज दिया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आ जाए। और जीएस के लिए आप लोग मैथ और रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, जीएस के लिए आप करंट और जीएस देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग जितना आपने किया है वहाँ पे कर लेंगे। और अगर जैसे मैथ वैथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑप्शन का सहारा लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अपना के कर सकते हैं आंसर रख के, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो बहुत हो गया लेक्चर, अब आई होप कि आप समझ गए होंगे सब कुछ जो मैं कहना चाह रहा था। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।